हमने प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का इस्तेमाल करके प्लेन से जमीन की तरफ फायर किए गए रॉकेट्स या गिराए गए बॉम्ब के फटने की टाइमिंग को कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब आ गई एक नई समस्या। तब क्या होगा जब ये रॉकेट उड़ते हुए प्लेन से जमीन के बजाय किसी दूसरे प्लेन की तरफ छोड़े जाएं? क्या तब भी हम इनके फटने की टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जब एक रॉकेट प्लेन से फायर किया जाता है तो वो अपने चारों तरफ 3500 स्क्वायर फुट का सेंसिटिव जोन बनाता है। अब अगर कोई प्लेन या कोई भी उड़ती हुई चीज इस जोन के संपर्क में आई तो बॉम्ब तुरंत फट जाएगा और उड़ा देगा अपने टारगेट की धज्जियां। जमीन से फायर किया गया रॉकेट और प्लेन से फायर किए गए रॉकेट में काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी?